नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेलपूरी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज हम बाजार जैसी भेलपूरी घर में बनाएंगे और इसे आप छोटी मोटी भूख में भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल मुरमुरा लिया है और एक नींबू, दो प्याज लिए जिनको बारीक काट लिए, दो टमाटर लिए जिनको बारीक काट लिए, दो हरी मिर्च लिए जिसको मैंने बीज निकाल के काट लिया है, बारीक वाली सेब ली है, मिक्स वाली नमकीन ली है और बीकाजी ली है मैंने, और थोड़ी सी इमली और एक गुड़ की डली ली है। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, गैस ऑन करेंगे। टोपिए के अंदर मैंने एक गिलास पानी डाला है। पानी गर्म होने पे हम इमली डाल देंगे। इमली को अच्छे से घुलने देंगे। आप पहले भी इमली को गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। एक गिलास गर्म पानी कर लीजिए, फिर 5-7 मिनट के लिए इमली को पानी में भिगो दीजिए, तब आपकी चटनी जो है बहुत जल्दी बन जाएगी। गुड़ को मैंने फोड़ लिया है और गुड़ भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़ को पानी के अंदर अच्छे से घोल लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़ीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच। मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप भी ज़ीरा पाउडर ही इसके अंदर डालें। ज़ीरे को मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं। और थोड़ी सी हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे, वो भी हम 1/4 चम्मच के करीब डाल देंगे। सभी मसालों को चटनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, इससे चटनी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा, ये तीखी नहीं होती है। लाल कश्मीरी मिर्च को भी हम चटनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। चटनी को पकते पकते 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हमारी चटनी जो है थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अभी हमें इसे 1-2 मिनट और पकाना है। आप देख सकते हैं ये चटनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस चटनी को हम छान लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम एक बड़ा भगोना लेंगे, उसके अंदर मुरमुरा डाल देंगे। मुरमुरे को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, अगर कोई कंकर पत्थर हो तो निकाल दीजिए। नमकीन डाल देंगे, मिक्स नमकीन भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के जिनको बारीक काटा था, वो भी डाल देंगे। 2 टमाटर लिए थे वो भी डाल देंगे। अब काला नमक डाल देंगे 1 चम्मच। सिंपल नमक भी डाल देंगे 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल देंगे 1/2 चम्मच।
तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चाट मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच। मैंने 1 नींबू लिया है, वो भी हम काट के उसका रस निचोड़ देंगे। ये बेलपूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाएं। टीवी देखते वक्त खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी खा सकते हैं बनाकर इसे, और छोटी मोटी भूख में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और ये बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बाजार जैसी बेलपूरी आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको एकदम बाजार जैसी बेलपूरी का टेस्ट आएगा। अब हम इसमें चटनी डाल देंगे। मैंने 5 चम्मच चटनी डाली है। अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर और चटनी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम बारीक सेव डाल देंगे, थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे डेकोरेट के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर आलू भी उबाल कर डाल सकते हैं। 1 आलू या 2 आलू उबाल कर आप उसे बारीक बारीक काट कर भी उस बेलपूरी के अंदर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने धनिया पत्ता डाला है, धनिया पत्ते को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बेलपूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बेलपूरी की रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेलपूरी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेलपूरी तैयार है। थोड़ी सी सेव से ऊपर डेकोरेट कर देंगे जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगी। और बाज़ार में जब बेलपूरी हमें सर्व करते हैं तो भी वो इसी तरह से सर्व करते हैं, ऊपर से बारीक सेव डालकर। ये एकदम बाजार के जैसी बेलपूरी हमारी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।